नारा को इसलिए मैंने इस नारे के साथ स्टार्ट किया था क्योंकि यही भगत सिंह जी हैं जब फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे उस समय इन्होंने जाते जाते समय भी इस जोश भरी एक आवाज़ में इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था जो भारत के हर एक युवा के अंदर जोश भर दिया था और राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भर गया था। इनके पिताजी का नाम जो था वो सरदार किरत सिंह जी था और मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक पत्र इनके द्वारा लिखा गया जो पत्र इन्होंने जेल में रह करके अपने भाई के लिए और भाई को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के आग्रह कर रहे हैं। वो पत्र आप लोग भी पढ़ेंगे तो ज़रूर आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। ज़रूर आप एक बार वो पत्र पढ़िए और इस वीडियो का आप शुरू से लास्ट तक देखिए। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि मैंने पढ़ा, मुझे जो फील हुआ वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ और आप भी इस पत्र को हर एक युवाओं तक पहुँचाइए कि एक युवा आज अपनी हर चीज़ छोड़ करके जिस तरह से कुर्बान हो गए तो जिसे और आज इसलिए हम लोग जो हैं वो पढ़ लिख पा रहे हैं, इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि एक युवा ने अपनी पढ़ाई को छोड़कर हम लोगों की आज़ादी के लिए कूद गए थे। 13 अप्रैल 1919 की घटना से इनके जीवन में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट यही इन्हीं जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण पड़ा था। लाहौर नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर इन्होंने जो है वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और नौजवान भारत सभा का स्थापना इन्होंने किया। जन्म के समय जब इनका जन्म हुआ था, मैं इसके बारे में कितना कहानी आप लोगों को बताऊं, जब विचारधारा था मतलब महात्मा इनका भगत सिंह जी का, ये विचारधारा जो था मार्क्स के विचारधारा का ये फॉलो करते थे। इन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद, जो बातें आप लोग जानते होंगे, जिसका मतलब होता है इंकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति की जय हो। जब इनका फांसी पर चढ़ रहे थे उस समय इन्होंने इनसे पूछा गया तो इन्होंने एक सेंटेंस कही थी जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। वे उनके जुबान से निकला था, वे अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं और उन्हें कोई पछतावा नहीं है, जब उनसे पूछा गया तो। और आइए मैं एक पत्र पढ़ने जा रहा हूँ जो इन्होंने जेल से अपने भाई के लिए लिखा है। आप लोग भी ज़रूर पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस बातों को शेयर कीजिए, जैसे कि एक देश के युवा ने किस तरह अपनी हर चीज़ छोड़ कर देश के लिए कुर्बान हो गए। भाई कुलवीर सिंह के नाम भगत सिंह का अंतिम पत्र फांसी लगने से 20 दिन पहले लिखा गया, सेंट्रल जेल लाहौर से, 3 मार्च 1931। प्रिय कुलवीर सिंह, भाई को लिख रहे हैं, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुलाकात के समय तुमने अपने खत के जवाब में कुछ लिख देने के लिए कहा था, कुछ शब्द लिख दूं? देख, मैंने किसी के लिए कुछ ना किया, तुम्हारे लिए भी कुछ ना कर सका। आज तुम सबको विपदाओं में छोड़ कर जा रहा हो, तुम्हारी ज़िंदगी का क्या होगा? गुजर किस तरह करोगे? विपदाओं से ना घबराना, इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ। अमेरिका अमेरिका जा सकते तो कुछ अच्छा होता, लेकिन अब तो यह नामुमकिन जान पड़ता है। धीरे धीरे हिम्मत से पढ़ लो, अगर कोई काम सीख सको तो बेहतर होगा, लेकिन सब कुछ पिताजी की सलाह से करना, जहाँ तक हो सके प्यार मोहब्बत से रहना, इसके सिवाय और क्या कहूँ। जानता हूँ कि आज तुम्हारे दिल में गम का समुद्र ठाठे मार रहा हो, तुम्हारे बारे में सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है। हौसले रख मेरे अजीज, मेरे प्यारे भाई, ज़िंदगी बड़ी बेरहम है, लोग भी बहुत बेरहम हैं,
सिर्फ़ हिम्मत और प्यार से ही गुजारा हो सकेगा। कुलतार की पढ़ाई की चिंता भी तुम्हें करनी है। बहुत शर्म आती है और अफसोस के सिवाय मैं कर भी क्या सकता हूँ। साथ वाला खत हिंदी में लिखा है। खत बीके की बहन को दे देना। अच्छा, नमस्कार अजीज भाई, अलविदा, तुम्हारी शुभाकांक्षी भगत सिंह। तो आप लोगों ने पढ़ा और क्या इनका फीलिंग था, इस बात को आप लोग अच्छे तरह से जान चुके होंगे। एक व्यक्ति आज पढ़ाई छोड़कर, अपनी हर एक चीज़ छोड़ कर के जो शहीद हुए, इस वजह से आज हम लोग आसानी पूर्वक जो हैं वह पढ़ पा रहे हैं या इतने खुशी पूर्वक जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं। उस व्यक्ति को कभी भूल नहीं सकते, हम लोगों को भूलना भी नहीं चाहिए। इसलिए एक बार लास्ट में मैं कहूँगा, भगत सिंह अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।